अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो सब कर रहे हैं चमका कर, क्योंकि यार होगा ये सीधा पार पटना का ऐसे ही नंबर आता है। 16 टायर कच्चे माल पे कहाँ चलेगी, जल्दी है ना। कच्चे माल में क्या, चार सेंसर दे देते, शायद एक है नहीं। ये ड्राइवरों के लिए, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं बोला है कि ट्रक ड्राइवरों के लिए है, लेकिन ट्रक ड्राइवर इसमें इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों है उसका? कार वाला इंसान यार पैसा लेके बैठे रहता है, फिजुम। पूरा सपोर्ट भाई जितने भी है सब तहलका मचाओ। इंग्लैंड है, बाकी सब टाटा गाड़ी 16 टायर ही सब माल उधर से सही साइड मिल गया। हाँ। तो मान लीजिए ये इतना गोलू भाई डर का माहौल पैदा कर दिया है यहाँ पे, नहीं आ रहा तो भी घुमा दे रहा है जहाँ मर्जी, अभी लेके नहीं जा रहे ट्रक कहीं, अभी नहीं जाएंगे, चक्का ही जाम रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। हमारे गोलू भाई हमारे साथ हैं और मोनू भाई जो ट्रक की अभी सफाई कर रहे हैं। देखिए मोनू भाई थोड़ा हाय वाई कर लीजिए। मोनू भाई जो ट्रक की सफाई कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत ट्रक है दोनों भाइयों का, और अभी चकाचक करके रख रहे हैं, मतलब चलाते हैं गाड़ी को, मालिक नहीं, लेकिन फिर भी देखो आप चकाचक करके तैयार करके रख रहे हैं। 48:30 है। सबसे अच्छी बात यह कि गोलू भाई जो है ना 48:25 चलाते थे, अभी ये दो राउंड हुआ आपको, तो 48:25 और 48:30 के बीच में जो थोड़ा सा फ़र्क है वो भी बता देंगे अपने को कि क्या फ़र्क लगता है, क्योंकि वो दो चक्कर इसको चला के लाए हैं। 48:30 का पहला वीडियो पहले बता दूं मैं आपको, इसमें भी इंजन तो वही आता है जो 48:25 में आता है, 6.7 लीटर, मतलब 6702 cc, 6702 cc का इंजन आता है, लेकिन इसमें पावर ज़्यादा हो जाती है, उसमें 250 hp की पावर आती थी, इसमें 300 है ना, इसमें 300 hp की पावर आ जाती है, 1100 nm का टॉर्क आ जाता है, 1100 nm का टॉर्क, 300 hp की पावर आ जाती है। अब मैं आपको दिखाते बताता हूँ, और बाकी पासिंग भी सेम ही है ना बोलो भाई इसकी और उसकी, क्योंकि 47,500 kg, 47,500 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है, 35 टन पासिंग आता है, 35 टन ये पासिंग आता है, 6 सिलेंडर ये इंजन होता है। दिखाते प्रोफाइल बताता हूँ मैं आपको, बड़ा खूबसूरत है, और इंदौर की बनी हुई बॉडी है, और इंदौर की बनी हुई बॉडी मजबूत होती है ना, क्या कहना है आपका इंदौर की बनी हुई बॉडी के बारे में? बहुत अच्छी है, तभी तो साफ कर रहे हैं चमका के रखते हो एकदम आप लोग, है सही बात है, मोटर मालिक तो रहता नहीं, आप लोग ही तो गाड़ी का ख्याल रख के उसको चमका के रखते हो। ये जैसे 48:30 है, आप देखो फ्रंट प्रोफाइल इसकी, रोड टीम लिखा, और ये नंबर देखेंगे आप, BR मतलब क्या, बिहार, पहली बार देखा मैंने, अजीब ऐसा नंबर आता है, पटना का ऐसे ही नंबर आता है। ये देखो भाई इस तरीके का नंबर है भाई इसमें, ये फूल पत्ती भाई ने बनवा कर, मतलब वहीं से मॉडिफाई करके बन के रखी है। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से ये इसकी प्रोफाइल मैंने आपको इधर वाली बता दी, इधर वाली प्रोफाइल दिखा, व्हील कवर और लग जाते ना तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन ऐसे भी बड़ा, हाँ ऐसे भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जो कलर है ना, कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जैसे देखो आप कलर 2023 लिवास, BS6 है गोलू भाई, गोलू भाई मोनू भाई हमारे दोनों, और यहाँ पे अंदर से भी दिखाऊंगा, अंदर से माइका वर्ग, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 टायर ये ट्रक होता है, और ये इसमें 365 लीटर का डीजल टैंक, 400 लीटर का डीजल टैंक, ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है फील्ड का बड़ा सारा, और ये लगा हुआ आपके बलून कितने खतरनाक है, पूरा दिखा दो, ये फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं अपन, ये कवानी का सेटअप इसके पूरा, जो ये भाई हमारे, ये देखो आप पीछे से प्रोफाइल बड़ा खूबसूरत सा है, आप तो आपकी सफाई कर लो, ये क्या लगे हुए इसमें, अच्छा सेंसर लगे हुए, पीछे लाइट लगा रखी है अपने पीछे की तरफ, अच्छी बात है ये, 1, 2, 3, 4 सेंसर दे देते, शायद एक है नहीं, है ना, 3 ही सेंसर है शायद, एक निकल गया, अच्छा एक निकल गया, मतलब अभी 3 सेंसर बचे हैं, वैसे 4 सेंसर है इसमें, ये बैकलाइट है, और ये फट्टा बॉक्स यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग है, तो टायर को भी बिल्कुल चमका रहा है हमारे मोनू भाई यार, एक ज़बरदस्त तरीके से। ये आपका एड ब्लू टैंक जो कि कवर करके रखा है, प्रेशर टैंक सिंगल दे रखा है, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर टैंक दे के रखा है, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर टैंक। अब मैं उधर से आपको ट्रक दिखाता हूँ एक बार, देखो अभी हम अंदर आ गए, और अंदर ये स्टीयरिंग मॉडिफाई कराया है गोलू भाई, ये फिर ऐसे ही आता है कंपनी से, ये वाला है, ये अच्छा है चढ़ने के लिए, देखो दो स्टेप दे रखी थी भाई यहाँ पे, ये एक और दो स्टेप, और ये हैंड ब्रेक यहीं पे है इसका, और ये जो है सफाई के लिए रखा होगा आपने, ये जो है उसी हैंड ब्रेक में है, सफाई हो जाती है इससे, फिजुम फिजुम फिजुम, ये साफ हो जाएगा। और अंदर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए इसको बंद करेंगे तो माइका वर्क देखो, बहुत खूबसूरत लग रहा है अंदर से, बड़ा जबरदस्त, इस तरह से दिखाता हूँ आपको, स्टेयरिंग देख लिया, ये MID क्या चालू कर रखा है ट्रक को, नहीं वो भी गाड़ी बंद हो गई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 गियर है टोटल, रिवर्स और लो गियर मिला के, ये देखो आप गाड़ी अंदर से, आय बॉडी तो बड़ी जबरदस्त बना के रखी यार, गाड़ी बहुत है? इंदौर में बनाते हैं, इंदौर में गाड़ी हाँ मजबूत रहती है इंदौर की भी बॉडी, ये बात तो है, ये देखो लाइट है इसमें, लाइट है ना, लाइट है, लाइट है, ये सब यहीं से चालू होगी, चालू
पंखा है, सब है तो है। ये लाइटों का लाइटों का बंद कर देते हैं ये अपन। ये अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ है, माइका वर्ग इसमें करा हुआ है, मंदिर वंदिर सब। तो गोलू भाई हमें ये बताइए, आप इसके पहले 48-25 चला रहे थे, आप दो चक्कर आपके इस ट्रक में हुए, तो आपको कुछ फर्क लगा दोनों ट्रक में 48-25 और इसमें? कोई फर्क नहीं है, फर्क कोई नहीं है। कुछ तो लगा होगा आपने दोनों चलाए थे। चलाने में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें पावर ज्यादा है ना, इसमें पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा फील हुआ इसमें। पावर का ही फर्क है, लेकिन देखिए पावर ज्यादा आई होगी तो इसमें माइलेज तो कम होगा ना गोलू भाई? नहीं, माइलेज सही है, माइलेज सही है। कितना माइलेज देता है? माइलेज अगर प्यार चलाओगा 3-3.5 दे देगा। तो यार 48-25 भी तो 3-3.5 का ही देता है। हाँ उतना वो भी देती है, वो भी कभी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ड्राइवर ड्राइवरी में होता है। तो यार गोलू भाई इससे अच्छा तो फिर इंसान वो ले, उसकी जगह ये ले सकता है, इसमें पावर भी ज्यादा मिलेगा। अच्छी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी बढ़िया गाड़ी। आप रहने वाले कहाँ के गोलू भाई? अरीवा। कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में? मेरे को इस लाइन में कम से कम 8 साल तो हो गया। 8 साल हो गए। तो आपने कोई और काम छोड़ के यही काम क्यों? मैंने शुरू से गाड़ी ही चला रहा। शुरू से गाड़ी, शौक है आपको? गाड़ी में शौक से। 8 साल का क्या तजुर्बा रहा आपका? अच्छा रहा तजुर्बा? अच्छा रहा, अच्छा रहा। बढ़िया लगता है आपको इस लाइन में? खाना पीना कहाँ करते हैं? सब गाड़ी में ही रहता है, सब गाड़ी में। तो गाड़ी कहाँ से कहाँ चलाते हैं आप? गाड़ी अपना इंदौर गुवाहाटी। इंदौर गुवाहाटी, गुवाहाटी असम, गुवाहाटी आसाम। अभी आसाम जा रहा है। ये पक्के माल पे चलती होगी गाड़ी? कच्चे माल, पक्के माल दोनों में चलती है। अरे 16 टायर कच्चे माल पे कहाँ चलेगी? चलती है ना। कच्चे माल में क्या ले जाते हैं? टमाटर ले गए, अंगूर ले गए। क्या बात कर रहे हो, 16 टायर पे ये कहाँ से लेके जाते हो कच्चा माल आप? ये अपना नासिक से, पिपलगा। नासिक से गुवाहाटी लेके जाते हो? गुवाहाटी। क्या अंगूर वगैरह? ये अंगूर हो गया, टमाटर हो गया, अनार हो गया। लेकिन कच्चे माल का भाड़ा बहुत अच्छा रहता है, मतलब नॉर्मल गाड़ी से? अरे भाड़ा ज्यादा रहता है, टाइम रहता है, इनाम रहता है। तो इनाम क्या मिलता है आपको? इनाम वही 15-10 हजार। नासिक से गुवाहाटी कितना किलोमीटर पड़ता होगा गोलू भाई? नासिक से गुवाहाटी पड़ जाएगा करीब करीब, नहीं तो 2700 पड़ जाएगा, 2800 तो पड़ जाएगा। 2800 किलोमीटर? तो 2800 किलोमीटर मान लो 35 टन अंगूर लेके गए आप, तो क्या उसमें भाड़ा? 35 टन नहीं रहता ना, तो उसमें हल्का माल रहता है। मान लीजिए बहुत रहेगा 32 टन रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहता। गारंटी तो 35 की लगती होगी ना? नहीं, जितना माल लोडिंग रहेगा उतना गारंटी रहेगा। अच्छा, तो भाड़ा किस हिसाब से मिलता है? टन के हिसाब से देते या फिर पूरा किलोमीटर के हिसाब से देते? उसमें करोड़ के हिसाब से भाड़ा लगता है। कितनी कैरेट आ जाती है इसमें? कैरेट तो गिनती नहीं किया कभी। मतलब जैसे छोटे जो ट्रक होते हैं उनमें 200 आ जाती है, और उससे जो बड़े होते हैं 12-15 टन वाले उनमें 400 आ जाती है। इसमें तो ज्यादा, इसमें भी ज्यादा आती है, 600-700 कैरेट आती है, ऊपर आती है 700 कैरेट आती होंगी। कैरेट का क्या भाड़ा लगता है इसमें? कैरेट का तो भाड़ा कभी मेरे हम लोग पता नहीं, सेठ को डायरेक्ट बात रहते हैं, सेठ अपना बात किया, अपना भाड़ा मैनेज किया। तो मतलब ये कच्चे माल पे जो कच्चे पे ले जो ले जाती है, तो कच्चे पे ले जाते हो आप, पक्के पे जो ले जाते हो उसका कोई आइडिया आपको? पक्के पे कहाँ से कहाँ चलाते हो? पक्के पे गुवाहाटी से चलते हैं। मतलब टोटल कच्चे और पक्के दोनों पे गुवाहाटी चलना है। पक्के माल में क्या लेके जाते हो आप? पक्के माल में कुछ भी मिल गया, परचून हो गया, प्याज हो गया, अपना प्लास्टिक दाना हो गया, कुछ भी मिल जाए। वो तो सेठ ट्रांसपोर्टर होंगे, वही माल वो सेठ का मालूम है, सेठ डीलिंग करते हैं। अच्छा, आपने 8 साल इस लाइन को दे दिया, इतना तजुर्बा ले लिया, ऑल इंडिया घूम लिए होंगे, कभी खुद ने ट्रक लेने का नहीं सोचा आपने? नहीं, अपने कार लेंगे, अपने गरीब आदमी है तो कहाँ से ले पाएंगे। एक्सपीरियंस तो करा होगा, तजुर्बा तो लिया होगा। तजुर्बा गाड़ी के लेने का तजुर्बा नहीं है, घर परिवार है तो भी। सही बात है। क्या पेमेंट वगैरह मिल जाता आपको? अब इसमें मान लीजिए वही अपना 5,000 पेमेंट है, और मान लीजिए चक्कर में बच जाता है तो 5-7 हजार बच गया महीने को, मान लीजिए महीने का 25-26 हजार बच जाता है। अभी जो ये महीने का 25-26 हजार पड़ जाता है आपको, और जैसे इसका किस्त कितनी बनती है कोई आइडिया आपको? किस्त तो आइडिया नहीं मेरे को, वही लाख 90 हजार से कम थोड़ी होगा। हाँ जाहिर सी बात। कितने से ट्रक है आपके सेठ के पास? मेरे सेठ के पास कम 10 गाड़ी है। टोटल 10 गाड़ी? 10 पूरी टाटा की है? पूरी टाटा गाड़ी, ये बड़ी बड़ी एक लैंड है, बाकी सब टाटा गाड़ी। 16 टायर है? सब 16 टायर, 16-14, सब 16-14। मतलब ये 48-25 और 42-25 यही गाड़ी है? तो सारी नई होंगी BS6? सब नई गाड़ी। क्या बात है, सारी नई गाड़ी और सारी 16 नहीं, ये बात तो है। अगर वो परमानेंट चला रहे हैं गुवाहाटी और ये कैरेट वगैरह पे, तो डेफिनेटली जो है उनकी किस्त वेस्ट निकाल के अच्छा बच जाता है। वो हाँ बचता है, लेकिन हो गया कभी माल टाइम से मिल गया तो बचता है। अब गए उधर खाली कहीं माल नहीं मिला, 5-6 दिन खड़ा हो गया। तो आप ही गुवाहाटी की जो ट्रिप रहती है कितने टाइम में लगा के आ जाते हो? अब मान लीजिए माल उधर से अगर सही साइड मिल गया तो मान लीजिए 15 दिन में लौट आएंगे। अच्छा, माल अगर सही साइड से मिल गया, अगर लेट भी हो गया तो 15 दिन में लौट जाएंगे। 15 दिन खड़ा हो भी गया तो 15 दिन में लौट जाती है गाड़ी। अच्छा, अब जैसे ही बताइए गोलू भाई, जैसे चक्का जाम चल रहा है अभी, सब जगह चल रहा है, अपने यहाँ पे जो है यहाँ पे चक्का जाम नहीं करने दे रहे हैं भोपाल में, क्योंकि यहाँ यूनिटी मतलब जो यूनियन नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, नया नियम नियम के बारे में? ये नियम गलत है, ये नियम गलत। आप लोग नहीं कर रहे हो चक्का जाम वगैरह? क्यों नहीं कर रहे हैं? करे थे, करेंगे क्यों नहीं चक्का जाम? कब करोगे?
करेंगे, चक्का जाम तो है, यहाँ रहे हैं खड़े हो रहे हैं, क्या करें? अभी लेके नहीं जा रहे हो ट्रक कहीं? अभी नहीं जाएंगे, चक्का जाम रहेगा, चक्का जाम रहेगा। हाँ तो ये होना चाहिए यार भाई, क्योंकि नियम को तो वापस लेना जरूरी है। नियम जरूरी है ना, ये कहाँ से ड्राइवर, गरीब आदमी कहाँ से भर पाएगा इतना पैसा? अगर इतना 7 लाख रुपया रहेगा तो कोई कारोबार घर में जाकर करेगा ना, गाड़ी थोड़ी चलाएगा। सही बात है, सही बात। 10 साल जेल काटेगा, कहाँ से होगा ये इतना पैसा, कहाँ से लाएगा? कहाँ से आएगा? गरीब आदमी है तो गाड़ी चला रहा है। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा इस चीज में कि यहाँ पे जो है भोपाल में चक्का जाम इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे यूनियन नहीं है भाई, और कहीं ना कहीं भाई बहुत परेशान हो रहे हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल वगैरह मिल नहीं रहा है। लेकिन आप लोग ऐसे डटे रहोगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन इस चीज़ का निकल जाएगा, क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने बोला, हालांकि ये जो नियम है, गोलू भाई सुनना आप मेरी बात, ये जो नियम है ये ड्राइवरों के लिए, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं बोला है कि ट्रक ड्राइवरों के लिए है, लेकिन ट्रक ड्राइवर इसमें इतना ज़्यादा उत्तेजित क्यों है उसकी वजह भी बता देता हूँ। देखो भाई, कोई गाड़ी चलाता है, कार चलाता है तो कार थोड़ी बहुत चलाएगा, कोई कार का ड्राइवर है तो मुश्किल से दिन भर में 5-10 किलोमीटर चलाएगा, कभी चलाएगा भी नहीं, खड़ी रहेगी गाड़ी। 24 घंटे चलता है ट्रक भाई, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है ना यार एक्सीडेंट के, यार एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है ना यार, इसमें गलती किसकी हो? कोई ड्राइवर ना अपने से नहीं मारना चाहता है, लेकिन क्या करेगा, जबरदस्ती कोई आग लड़ जाएगा तो क्या करेगा? सही बात है, कार वाले तो जबरदस्ती है, कार वाले बाइक वाले, हाँ वो हरदम बाहर रहता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और दूसरी बात पता है, ये इतना गोलू भाई डर का माहौल पैदा कर दिया है यहाँ पे इस चीज को लेके, मतलब ड्राइवर भी डरा हुआ है, अगर एक्सीडेंट नहीं भी होगा तो हो जाएगा। अभी अभी एक कार वाला भी हमें आ रहा था, वो जब से कानून देखा तो साला हाथ दिखा रहा है मेरे को, बताइए। कार वाला हमको पीछे में भी हाथ दिखा रहा था, बताइए, हाथ दिखा रहा था, बताओ है? उसको पावर हो गया तब ना इतना हाथ दिखा रहा है। सही बात, ड्राइवर को इज्जत नहीं है, जो मर्जी वो डांट के चला जाए, पछाड़ के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बाइक वाला भी चलता है, उसको भी डांट चला जाता है। सही बात है, इस चीज पे भाई थोड़ा सा डटे रहना आप लोग सब। जो मोदी जी हम लोग पर लगाए, कार वाले बाइक वाले के पास लगाते हैं तो आज सही एक्सीडेंट नहीं होता। जिसको जो घर से निकल रहा, छोटा भी लड़का बाइक चला रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा तो भी घुमा दे रहा है जहाँ मर्जी, कितना ड्राइवर बचा ब्रेक में नहीं पा रहा वो भी चला रहा है, बराबर पैर नहीं पा रहा तो भी बाइक चला रहा है। जल्दी से जल्द इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि एक डर का माहौल भी बढ़ता जा रहा है, तो भाई डर में इंसान और ज्यादा मतलब गलती कर देता है। गाड़ी नहीं चलाएगा, छोड़ देगा, क्या रहेगा? कोई ड्राइवर नहीं चलाएगा, अपना घर में जाकर खेती किसानी करेगा, प्याज लहसुन लगाएगा, अपन वही रहेगा घर में, क्या करेगा? सरकार को भी जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक्शन लेना चाहिए। अभी मतलब भोपाल में बहुत से पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, पेट्रोल वगैरह नहीं मिल रहा। मैंने भी कल फोन करवा लिया था क्योंकि मुझे आना था, तो यहाँ पे भी चक्का जाम मतलब होने नहीं दे रहे थे। कल रात में भी मैं आया था यहाँ पे, तो ड्राइवर भाई है ना, 20-25 लोगों को इकट्ठा करके बात भी करी थी मैंने तो, लेकिन वो बोल रहे कि यार पुलिस वाले थोड़ा सा मतलब मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है भाई, कोई यहाँ से देख रहा है भोपाल से आप ड्राइवर हो कुछ हो तो एक यूनियन तो बनाओ थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यूनियन तो लाइए थोड़ा। अभी अपना इंदौर में भी यही हाल हुआ था, इंदौर में पुलिस वाला आया मारने, तो पुलिस वाले उल्टा पब्लिक मार रही है। अच्छा, खेद क्यों मार रही बताइए, चाहिए ये काला कानून है, हिसाब से सारे ड्राइवर भाई यही बोल रहे हैं, जो जैसे था पहले वैसे कर दो, अच्छी बात है। हाँ मोनू भाई, आप भी चलाते हैं इसको? हाँ जी, आपको भी इतने 20-25 हजार पड़ जाते हैं? नहीं हमको नहीं पड़ते, नहीं पड़ते हैं। अच्छा, मोनू भाई की तो उम्र भी कम लग रही है, 10-15 नहीं, उम्र तो ठीक ही है, 20 साल का हूँ। हाँ मतलब 20 साल नौजवान ही है, अभी अभी आया ट्रक लाइन में? हाँ जी। कितना टाइम हुआ है? ज्यादा ज्यादा हुआ तो 3 साल हो गया। और कोई काम नहीं करा आपने? कुछ कैसे आ गए इस लाइन में? बस ऐसे ही शौक के लिए, शौक के लिए चलाने। देख रहा अभी आप कैसे लोग पीछे पड़े रहते हैं इस लाइन में, शौक के लिए आ तो गए आप, अभी देख लो आप कितना परेशान कर रहे हैं। खाने के लिए आए हैं, हम भी सोचे निकले देखे परदेश कैसा होता है। कमाने खाना तो आए हो, हम लोग भी थोड़ा डट के खड़े रहना इस चीजों के लिए। हम लोग तो खड़े हैं, पूरा पूरा सहमत है, पूरा जितने भी है सब तहलका मचाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तलका नहीं मचाएंगे तो कुछ नहीं करने वाले हैं, बाहर तो कभी जिंदगी में नहीं मारना है। हाँ क्योंकि यार हो गया सीधा पार, यार हो गया सीधा पार। सही बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम तो खुद आपके सपोर्ट में हैं कि जल्द से जल्द ये कानून वापस लाए, इसमें कुछ ऐसा बदलाव लाए जो हित में हो आप लोगों के। हाँ, हैं ये बदलाव लाए, ऐसा बदलाव लाए जो हम लोग को लगे कि हाँ अच्छा काम किया। सही बात है, सही बात है भाई। ये हमारा वीडियो था, ट्रक भी बता दिया मैंने आपको, भाई लोगों से मिलवा दिया, और जो चीज सीरियस मामला जो चल रहा है उसमें डटे रहना भाई लोग, जो भी वीडियोस देखने, और जो वीडियोस मेरे कार की वीडियोस पहले देखते थे वो लोग भी अगर सबको डटे रहो। बिल्कुल बिल्कुल, और जो पहले मैं कार की वीडियोस देखते थे ना मेरे, जो अभी ट्रक की वीडियोस आप लोग भी देखते हो, थोड़ा गहराई से सोचना इस बात को। नियम सबके लिए, लेकिन ट्रक ड्राइवर ज़्यादा परेशान इसलिए क्योंकि उनको 24 घंटे चलना है, और कार वाला इंसान यार पैसा लेके बैठा रहता है, ट्रक ड्राइवर इतना पैसा लेके नहीं बैठा रहता कि 10 लाख या 7 लाख दे दे या कुछ कर दे। और ज़रूरी थोड़ी ना कि अब जो गलती है ट्रक ड्राइवर भाई की होगी, कोई आके घुस गया, बाइक वाला आके घुस गया, तो वो नियम को थोड़ा तरीके से
लागू करना चाहिए अगर करना है तो। अभी घर से पैदा नहीं हुआ वो साला बाइक चला रहा है और जब नहीं देखेगा गाड़ी कितना स्पीड में इसका ब्रेक लगेगा नहीं लगेगा भाग देने घुस जाना है। सही बात। गाड़ी वाला कितना बचाता है, बहुत बचाता है अपने कहते, कोशिश बहुत करता है। सही बात। तो सोचता है कि हमारे टायर नीचे आदमी कोई मारना नहीं चाहता हूँ, कभी जिंदगी भगवान से सोचता हूँ कभी कोई मेरे गाड़ी के सामने ना आए। सही। लेकिन कोई जान के आता तो मैं क्या कर सकता, कोई दारू पी के आकर रोड में घूम रहा है और आगे गाड़ी में घुस जाएगा तो क्या करेगा ड्राइवर। सही बात, बिल्कुल सही बात है। छोटी वाली गाड़ियों को कभी गलती नहीं देते हैं। हाँ, ये गलती करता है वही। कानून लगाए हुए हैं इसमें, मान लीजिए अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो पब्लिक मार के भूसा बना देगी। बस वही पब्लिक, ये मुझे डर रहता है कि यार भाई पब्लिक मारेगी। ड्राइवर मजबूरी भागता है ना। सही बात है। और ड्राइवर को ड्राइवर ही करना भी पड़ेगी भाई। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप ये सोचो कि चलो मान लो यहाँ से सब बैठ के बिजनेस करने लग जाए तो चलो एक ड्राइवर कर लेगा, दो ड्राइवर कर लेंगे, तीन चार पाँच दस ड्राइवर बिजनेस कर लेंगे, सब नहीं कर सकते ना भाई। ड्राइवर ड्राइवर ही करना ही पड़ेगी उनको पैसे कमाने के लिए, तो उनको तो ये आवाज उठाना पड़ेगी इस चीज के लिए। ये ज्यादा थोड़ा घर से मजबूत है तो अपना कुछ काम कर लेगा, ड्राइवरी कर रहा है, गरीब है तो कहाँ जाएगा, तो ड्राइवरी करेगा ना। सही बात है, सही बात है, सही बात है भाई। बहुत तो भाई थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें जो इस लाइन से नहीं है, आप लोग भी थोड़ा इन लोगों के हित में सपोर्ट करें या पोस्ट करें या कुछ करें, जो भी आपसे बने करें। और भाई मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जितने भी ड्राइवर भाई लोग जो हैं जो धरना वगैरह कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है या कोई है, मतलब तो प्लीज़ मतलब आप तो ट्रक खड़ा कर दो, अपने घर चले जाओ। ट्रक नहीं चल रहा है ना, आप तो अपने घर चले जाओ, लेकिन प्लीज़ मार वार मत खाना किसी की भी, है ना। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही लाठी चार्ज इस टाइप का हो रहा है तो अपने घर चले जाओ, ट्रक तो खड़ा रहेगा तो तब भी नहीं चलना है। तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल रख के इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना, सब चीज़ों का ख्याल रखना, थोड़ा सपोर्ट करना इस चीज़ को भाई। तो भाई ये था हमारा पूरा वीडियो भाई लोगों के साथ। तो मैंने आपको इसमें चीज़ भी बता दी और चीज़ें भी बता दी और जो था दिल में वो भी बता दिया। और अब ये इधर गाड़ी अभी यहाँ पे खड़ी है, देखिए सब उसी। हाँ, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर आपको मैं दिखाऊँ ना, ये सब इसी चक्कर में खड़ी हुई। इसमें आधे से ज़्यादा गाड़ी जो है लोग बंद करके घर जा चुके हैं, मतलब वहाँ कोई नहीं है, लॉक कर दिए यहीं पर और जा चुके हैं घर अपने। तो समझिए, तो भाई ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो। ऊपर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।